आज लातूर जिल्ह्यातील औसा या ठिकाणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यावर घुसून मारणं ही नवीन भारताची नीती असल्याचं त्यांनी सांगितलं. लातूरच्या लोकांनी मोठ्या संकटांना तोंड दिलं आहे. विश्वास ही 5 वर्षातील सर्वात मोठी कमाई आहे. विकास करून विश्वास सार्थ ठरवणार देशाच्या प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग हवा आहे. आम्ही दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यांवर घुसून मारणं ही नवीन भारताची नीती आहे, परंतु विरोधकांना आमच्यावर विश्वास नाही, असं नरेंद्र मोदी यांनी औसा येथील सभेत म्हटलं आहे. नक्षलवाद्यांवर प्रहार आणि आदिवासी बंधूंना यावेळी विश्वास दिला आहे. नक्षलमुक्त भारताचं आमचं स्वप्न आहे. भारताच्या संस्कृतीचं जगभरात दर्शन केलं. तुमचा आशीर्वाद हीच माझी ताकद आहे. तुम्हाला चौकीदारावर विश्वास आहे का? राष्ट्र सुरक्षेसाठी आमचं काम आणि निर्धार आहे. काँग्रेसचा विचार देशाच्या विरोधात आहे. काश्मीरमधून कलम 370 काढलं जाणार नाही. काँग्रेसचा जाहीरनामा बोलतो तीच भाषा पाकिस्तानची भाषा आहे. जम्मू काश्मीरमध्ये हिंसा करणाऱ्यांशी बोलणी करण्याची भाषा काँग्रेसची आहे, तीच भाषा पाकिस्तानची आहे. देशाला शिव्या देणाऱ्या तुकडे करणाऱ्यांना खुलं लायसन्स देण्याची घोषणा काँग्रेस करत आहे, तीच पाकिस्तानची देखील इच्छा आहे. त्यांच्यावर विश्वास ठेवणार का, असा सवाल यावेळी नरेंद्र मोदी यांनी या सभेत उपस्थित केलाय. रवैया है साथियों, आतंकवादियों के अड्डों में घुसकर मारेंगे. आतंकवादियों के अड्डे में घुसकर मारेंगे, ये नए भारत की नीति है. आतंक को हरा कर ही हम दम लेंगे, ये हमारा संकल्प है. जम्मू कश्मीर में राष्ट्रवादियों के मन में हमने एक नया विश्वास जगाया है. अब जम्मू कश्मीर में स्थिति सामान्य बनने का हमारा संकल्प हम सामने देख रहे हैं परिणाम को. साथियों, घुसपैठियों की पहचान का हमने वादा किया था. ये बड़ा काम हम शुरू कर चुके हैं. अब घुसपैठ का पूरी तरह बंद करेंगे, ये हमारा संकल्प है. नक्सलियों पर प्रहार और आदिवासी भाई बहनों तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए हमने दिन रात मेहनत की है. हम नक्सल माओवाद से मुक्त हिंदुस्तान का हमारा संकल्प है. देश की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया भर में फैलाने का काम हमने किया है. इसी विरासत को हर प्रकार के आघात से बचाने के लिए तैयार करना, ये हमारा संकल्प है. आप मुझे बताइए, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? मैं आप सबसे जानना चाहता हूं, देश सुरक्षित हाथों में है या नहीं है? है, है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. आपके आशीर्वाद यही मेरी ताकत है. हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा. आप मुझे बताइए, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा की रक्षा की जानी चाहिए कि नहीं की जानी चाहिए? आपको इस चौकीदार पर विश्वास है? भाइयों और बहनों, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए ये हमारा काम और हमारे संकल्प है. इसी तरह कांग्रेस और उसके साथियों की देश विरोधी सोच है. भाइयों और बहनों, कांग्रेस ने कहा कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 किसी भी कीमत पर नहीं हटाई जाएगी. जो बात कांग्रेस का ढकोसला पत्र कह रहा है, वो ही भाषा पाकिस्तान भी बोल रहा है.
काँग्रेस का कहना है कि वो जम्मू कश्मीर में अराजकता फैलाने वालों से बातचीत करेंगे। पाकिस्तान भी तो यही बार बार कह रहा है कि ताकि भारत इन्हीं बातों में उलझा रहे। कांग्रेस कस रही है कि हिंसा वाले इलाकों में सैनिकों को मिले विशेष अधिकार को वापस ले लेंगे। पाकिस्तान भी तो यही चाहता है ताकि आतंक के सरपरस्तों को खुली छूट मिल जाए। कांग्रेस ने घोषणा की है कि देश को गाली देने वालों, टुकड़े टुकड़े की बातें करने वालों, उनको खुला लाइसेंस देंगे, देशद्रोह का कानून खत्म करेंगे। पाकिस्तान तो भी यही चाहती है कि भारत के खिलाफ काम करने वालों को खुली छूट मिल जाए। भाइयों और बहनों, जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन पर विश्वास कर सकते हैं क्या? ऐसी कांग्रेस पे विश्वास कर सकते हैं क्या? उनके साथियों पर विश्वास कर सकते हैं क्या? क्या ये लोग देश को सुरक्षा दे पाएंगे क्या? भाइयों बहनों, कांग्रेस आज संकल्प पत्र में हम जिएंगे तब तक 370 नहीं हटाएंगे की बातें करती है। अरे कांग्रेस में अकल होती और 1947 में ऐसी हिम्मत के साथ खड़ी होती कि हम देश का बंटवारा नहीं होंगे देंगे तो ये पाकिस्तान पैदा ही नहीं होता। ये पाकिस्तान कह रहा है वही भाषा कांग्रेस के चुनाव मैनिफेस्टो में दिखाई दे रही है। भाइयों बहनों, ये बड़े जोरों से कह रहे हैं कि देश में से हम देशद्रोह का कानून हटाएंगे। मैं जरा कांग्रेस वालों को कहता हूं कि दर्पण में जाकर के अपना मुंह देखो। आपके मुंह में मानव अधिकार की बातें शोभा नहीं देती है। आप कांग्रेस वाले, आपको हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को जवाब देना पड़ेगा, हिंदुस्तान के एक एक बच्चे को न्याय देना पड़ेगा। आप कांग्रेस वालों ने बाला साहब ठाकरे का नागरिकत्व छीन लिया था, मतदान करने का अधिकार छीन लिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज टुडे 24। राज्यातल्या आणि देशातल्या ताज्या घडामोडींसाठी आजच आमच्या यूट्यूब चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बघत रहा ताज्या घडामोडी।